हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज के वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं सीरीज लाइन कैसे बनाया जाते हैं। अगर आप रिपेयरिंग के काम करते हो, इंडक्शन कुकर हो या तो फिर कोई SMPS हो, तो कैसे आप सीरीज लाइन बना सकते हो घर में, वही दिखाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका कुछ एक जैसे होल्डर चाहिए और स्विच चाहिए, और स्विच के अलावा आपको लोड देने के लिए लोड के हिसाब से एक फिलामेंट वाला बल्ब चाहिए, एक प्लग चाहिए और कुछ वायर चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है इसको जानना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर आप SMPS रिपेयरिंग करते हो, उस समय अगर आपको शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपके MCB तुरंत गिर जाता है, या तो फिर आपका ये देखो, ये जो SMPS है इसमें अगर रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाता है तो आपका फ्यूज जो वो जल जाता है। ठीक है, ये पे जो ड्राइवर IC देख रहे हो, इसके जगह आपका IGBT हो सकता है, आपका ट्रांजिस्टर ड्राइवर ट्रांजिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे आपका सीरीज लाइन बनाया जाता है तो वो जान लेना बहुत ही ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे सर्किट जो कैसे काम करता है उसका बेसिक एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये देखो, न्यूट्रल का जो वायर है उसे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, न्यूट्रल का वायर बिल्कुल सीधा चला जाएगा। उसके बाद जो फेज वाला वायर है उसमें ऑप्शनल आप एक स्विच दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्विच दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फिलामेंट वाला बल्ब चाहिए, लोड के हिसाब से लोड कितना देना पड़ेगा वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। फिलामेंट इसलिए कि यह जो फिलामेंट है आपका फ्यूज की तरह काम करेगा, फाइनली यहाँ पे जाता है आपका लोड, या तो फिर कोई SMPS जैसा होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, वो दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ से लाइन जाते हैं, वहाँ पे स्विच पे काट होगा, दूसरा जगह पे जहाँ पे काट होगा वहाँ पे बल्ब लगेगा। ठीक है, और ये बल्ब जो है आपका फिलामेंट वाला बल्ब, और यहाँ पे SMPS, तो बल्ब का फिलामेंट जो आपका फ्यूज की तरह काम करना चालू कर देगा, जब भी आपका लोड में शॉर्ट सर्किट होगा तो ये जल पड़ेगा। तो कैसे बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 पिन जो मेल वाला प्लग है उसे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेल वाला प्लग में हम नेल पॉलिश से रेड मार्क कर दिए हैं, ताकि हम इसी पोर्ट में ये जो पिन है इसमें भी हम फेज वाला जो वायर है उसे जोड़ेंगे, लाल वाला जो वायर है यहाँ पे रखेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे खोल के लगा दे रहे हैं। ब्लैक वाला जो है वो न्यूट्रल लेंगे और रेड वाला जो है उसे फेज के लिए यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज लाइन कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक से काम करते हैं, SMPS वगैरह रिपेयरिंग उनके पास है ही, तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे और एक काट करना होगा, यहाँ पे हम स्विच लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम बता रहे थे, तो ज़्यादातर लोग के पास यहाँ पे स्विच बोर्ड में फिक्स्ड हुआ रहता है। ठीक है, वो कैरिएबल नहीं है, तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ, ये कैरिएबल है, आप कहीं पे ले जा सकते हो। ठीक है, और बहुत आसान सा तरीका है, अभी यहाँ पे काट करके हम स्विच लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखो फेज वाला वायर को काट के हम स्विच लगा दे रहे हैं, और न्यूट्रल वाला जो वायर है उसे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे उसके साथ। तो यहाँ पे स्विच लगा दिया, स्विच लगाने के बाद जो वायर जा रहा है रेड वाला, उसे फिर से काट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक होल्डर लगाएंगे जहाँ पे फिलामेंट वाला बल्ब लगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी लगा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आपका बहुत आसानी से आप सीरीज लाइट कर सकते हो, इसे हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, फाइनली जो है वो हो चुका है, ये होल्डर को लगाने के बाद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखा देंगे। दोस्तों इसे टेस्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ, रेड वाला जो वायर है यहाँ पे लगेगा आपका फेज वाला वायर, जिसपे आपका टेस्टर का लाइन जो है वो जल जाता है। तो हम टेस्टर से लाइन वो जला के भी दिखाएंगे। बाकी जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक स्विच है, बल्ब है, होल्डर है, होल्डर पे बल्ब लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बल्ब भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फिलामेंट जो है आपका फ्यूज की तरह काम करता है, अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो फिलामेंट के वहाँ पे लोड पड़ता है तो फिलामेंट जल पड़ता है, मतलब के बल्ब जो है वो जल जाता है। यहाँ पे एक बार आप जरूर देख लेना कि पॉजिटिव जो वायर है आपका फेज वाला वो रेड वाला ही है, ताकि आपका स्विच जो है काम करे।
यहाँ पे देखो दोस्तों, जहां पे जब भी हम शॉर्ट करते रहे तो वो बल्ब चल रहा है, ठीक है। अभी हम आप लोगों को एसएमपीएस जो है वो कनेक्शन करके यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो कैसे काम होता है वो भी दिखा देंगे। मान लो कि हम यहाँ पे लगा दिए हैं, स्विच भी ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे जो बल्ब है, बल्ब का काम यह है कि जो लोड दे रहा हो लोड से ज्यादा आपका बल्ब का वाटेज होना चाहिए। तो ज्यादातर आपके एसएमपीएस के लिए 100 वाट के बल्ब भी ठीक है, ठीक है। अगर आप उससे भी कुछ ज्यादा लोड देते हो तो उसके हिसाब से 200 वाट का बल्ब भी ले सकते हो। तो एसएमपीएस के लिए 100 वाट का बल्ब भी आपका इनाफ है, यहाँ पे 100 दिख रहा है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, जहाँ पे पावर आ जाए, बाई चांस आपका काम करते समय शॉर्टिंग हो गया तो यहाँ पे देखो सेफ्टी के लिए बल्ब जल जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव जो आउट हो जाए उस पे भी आपका बल्ब जल रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो रेक्टिफायर मैक्सिमम टाइम आपका शॉर्ट हो जाता है तभी आपका बल्ब जल रहा है। तो इसके हिसाब से आपको इसी तरह से किया जाता है आपका एसएमपीएस जो होता है वो। एसएमपीएस रिपेयरिंग करने के लिए ये आपका सीरीज लाइन बहुत ही काम पे आता है। बहुत सारा बंदा आपको इसे समझ में नहीं आता है तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।